आप जानते होंगे कि सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः सॉल्ट यानी नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयन्स होते हैं जो थ्री डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर यानी त्रिविमीय जालीदार संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इसी चैनल के दूसरे वीडियोस में आप नमक के गुणधर्म और उसके एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में हम रोज के खाने में नमक के महत्व को जानेंगे। नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला नमक हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। वास्तव में देखा जाए तो नमक और मिर्च दो ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया में शायद ही कोई न करता हो। इस्तेमाल में लाया जाने वाला अधिकतर नमक आयोडाइज्ड होता है, यानी उस नमक में आयोडीन मिलाई गई है। ये आयोडाइज्ड नमक थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से रोकता है। शरीर में आयोडीन की कमी से आपको गॉइटर यानी घेंघा रोग हो सकता है। खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा इसका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। ये बैक्टीरिया और मोल्ड यानी जीवाणु और फफूंद को मारकर खाने को खराब होने से बचाता है। खाने को खराब होने से बचाने के लिए सामान्यतः क्योरिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में खाद्य पदार्थ को घिसने के लिए नमक की एक बड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम खाद्य पदार्थ को नमक की बहुत बड़ी मात्रा से घिसते हैं तो हाइपरटोनिक एनवायरमेंट बन जाता है। ऐसे एनवायरमेंट में सेल्स के बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भीतर की अपेक्षा ज्यादा होता है। परिणाम स्वरूप ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब बढ़ जाता है। परासरण दाब बढ़ने के कारण सेल्स और खाद्य पदार्थ के अंदर और भीतर रहने वाले बैक्टीरिया का पानी बाहर आ जाता है। इस तरह ये बैक्टीरिया मर जाते हैं और खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता। खाने को पिकलिंग विधि से भी संरक्षित किया जा सकता है। इसमें हम वातावरण को ड्राई यानी शुष्क कर देते हैं। हालांकि पिकलिंग विधि का इस्तेमाल एक्वाज एनवायरमेंट यानी जलीय वातावरण में किया जाता है। इस विधि में हम खाद्य पदार्थ को ब्राइन या खारे पानी में रखते हैं। ठीक पहले वाली प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है जिसमें हाइपरटोनिक एनवायरमेंट बनता है। परिणाम स्वरूप परासरण दाब बढ़ जाता है जिससे जीवाणुओं और कोशिकाओं का पानी बाहर आ जाता है और वो मर जाते हैं। इस तरह संरक्षित किए गए खाद्य पदार्थों का स्वाद नमकीन होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए दूसरे पदार्थों जैसे नाइट्राइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सामान्यतः उनके संरक्षण के लिए नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस्ड फूड यानी परिष्कृत खाद्य पदार्थों में सामान्यतः नमक को ही मिलाया जाता है। क्रिस्पी, डिब्बा बंद और अधिकतर फास्ट फूड्स में ये अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। सच तो यह है कि कोशिकाओं के सामान्य ढंग से काम करने के लिए, तंत्रिका तंत्र के संचालन के लिए और ब्लड प्रेशर सामान्य रखने के लिए खाने में नमक को शामिल करना आवश्यक है। हालांकि इसका अत्यधिक सेवन करने से कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कई तरह की दिल की बीमारियां हो सकती हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले नमक का कुछ हिस्सा शरीर की जरूरी प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होता है और बचा हुआ मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब नमक का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में किया जाता है तो हमारी किडनीज यानी गुर्दे बचे हुए नमक को अलग करने के लिए तेजी से काम नहीं कर पाते, जिससे ये हमारी ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त धारा में मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप ये ब्लड वेसल सेल्स यानी रक्तवाहिनी कोशिकाओं में से परासरण द्वारा जल खींच लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका हमारे खून के आयतन पर क्या असर पड़ेगा? रुकिए और इस पर विचार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। खून का आयतन बढ़ जाएगा। इस बढ़े हुए खून के आयतन के लिए अतिरिक्त जगह न होने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का सामना करने के लिए रक्तवाहिकाएं मोटी और मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप का इलाज न करवाने पे आपके दिमाग की रक्तवाहिकाएं फट सकती हैं, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। रक्तचाप में वृद्धि का मतलब ये भी है कि आपके दिल की मांसपेशियों को छोटी रक्तवाहिकाओं में ब्लड पंप करना कठिन हो जाता है। इससे दिल की मांसपेशियां समय के साथ बढ़ती जाती हैं। रक्तवाहिकाओं में नियमित तरीके से खून का प्रवाह न होने से हार्ट फेल भी हो सकता है। खाने में नमक की मात्रा कम करने से इस तरह की समस्याओं से निपटा जा सकता है। डिब्बा बंद खाने के पैकेटों पे नमक को सामान्यतः सोडियम लिखा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति को दिन भर में 1500 मिलीग्राम या एक टीस्पून से कम नमक का सेवन करना चाहिए।